एग्रीकल्चरल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम का मुंह तोड़ जवाब इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे दिया वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम आज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वेलकम टू इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सीरीज, चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। टॉपिक है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इंप्रूव क्वाइट अ लॉट और वो वहां पहुंचा जहां हम आज हैं। ठीक है, अब भाई देखो, पिछले मेरी वीडियो में तुमको पता है कि मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, आज भी है तो तब तो थी ही बहुत ज्यादा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सिस्टमैटिकली एक एक प्रॉब्लम पकड़ी और उसका वंटाधार किया, उसको टैकल करना शुरू किया ताकि धीरे धीरे एग्रीकल्चर बेटर हो सके। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है या आपसे वैल्यू बेस्ड आपकी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सो कीप इन माइंड। ऑलराइट, रिफॉर्म्स तीन लेवल पर हुए, तीन तरीके से हुए। पहले रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म्स या जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। सेकेंड टेक्निकल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बदलाव कर दिया टेक्नोलॉजी में, वो वाले रिफॉर्म्स। एंड थर्ड जनरल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्योंकि बड़े हैं इसीलिए मैं हर रिफॉर्म को अलग वीडियो में करूंगी, आप लोग वो वीडियोस फॉलो करते रहना ताकि आपको पूरा चैप्टर सॉरी पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। ओके, सो टुडे वी विल बिगिन विद लैंड रिफॉर्म्स या जिन्हें हम इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई सिस्टम, कोई सिस्टम है। इंस्टीट्यूशन का मतलब तुम लोग तो ऐसे समझते हो ना कि जैसे कोई स्कूल या कॉलेज, सिर्फ वो नहीं, इंस्टीट्यूशन का एक मतलब ये भी है एक सिस्टम होना। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर में बहुत सारे सिस्टम थे जो बिगड़े हुए थे, इसीलिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इसको नाम दिया गया, यानी हम उन इंस्टीट्यूशंस को, उन बिगड़े हुए सिस्टम्स को ठीक करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या क्या थे। सबसे पहला काम, जैसे इंडिपेंडेंस हुई ना, क्या काम किया, जमींदार जी और जागीरदार जो थे ना उनको हटा दिया। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, बीच में बिचौले जो होते हैं। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और टेनेंट के बीच में थे ये लोग, आपको पता है। और ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेंट देते थे और सारी जो जमीन थी वो अपने पास रख लेते थे, और जो लेबरर था ना उसको कॉस्ट देते थे ना उसको प्रॉफिट देते थे, मतलब उससे काम करवाते थे, खून चूसते थे और उसको बिल्कुल कुछ पैसा नहीं देते थे। ये लोग करते थे। अगेन आई हैव अ आइडिया, ऐसा नहीं है कि सारे जमींदार खराब थे, लेकिन तुम ये मान के चलो कि 90% प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, तो बात समझ में आई। और ऊपर से क्या था, जो लेबरर है उसको उसकी जमीन उसकी थी भी नहीं, वो ओनरशिप उसके पास थी ही नहीं, वो एक लैंडलेस लेबरर था। लैंडलेस लेबरर कौन होता है, जो जमीन पे काम तो कर रहा है लेकिन वो जमीन उसकी नहीं है, और ना तो उसको जमीन का कोई फायदा मिल रहा है, ऊपर से पैसे भी अपनी जेब से लगाने पड़ रहे हैं, ये दिक्कत थी। तो क्या किया, हटा दिया जमींदारी सिस्टम को, हटा दिया, खत्म कर दिया गया, ताकि जब इंटरमीडियरी रहेगा ही नहीं तो गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर से बात कर पाएगी और फार्मर को अपने लैंड की ओनरशिप मिलेगी, तो वो अपने अपने लैंड पे काम करने के लिए ना उसका इंसेंटिव ज्यादा होगा। इंसेंटिव क्या होता है, मुझे क्या मिलेगा इससे, मेरा क्या फायदा, वो होता है इंसेंटिव। तो सीधी बात है, जब लैंड मेरा, इसका फायदा मेरा, तो फिर इंसेंटिव भी मेरा। क्लियर सी बात है, गवर्नमेंट ने ये सोच के जमींदारी सिस्टम को हटाया। ठीक है, अब क्या जमींदारी सिस्टम इतनी आसानी से गया, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लॉ बनाए गए, उनकी बड़ी तगड़ी इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की। भाई भाई इंडिया है तब भी ऐसा था, कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ ही लेते थे और ढूंढ के क्या करते थे, केस लगा देते थे। तो ये लंबे लंबे सालों तक चलता रहता था केस और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को बड़े साल लगे इस सिस्टम को कंप्लीटली खत्म करने में, बहुत साल। ठीक है, और लोग जाने नहीं देना चाहते थे। तुम खुद सोचो ना, तुम इतने सालों से जमींदार अगर रहे हो तो आपको कुछ चीजों की, कुछ आराम की आदत हो जाती है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो यही प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी हुई थी बहुत साल। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि कम से कम 20-25 साल लग गए। जब हमने इसको खत्म किया तब से इसको एक्चुअली ऑन पेपर असलियत में खत्म करने में 20-25 साल लग गए। कुछ स्टेट्स थे जहां पर बहुत बढ़िया और बड़ी जल्दी खत्म हुआ, जैसे बंगाल, जैसे केरला। इसका कारण क्या था, वहां की सरकार, जो स्टेट की सरकार थी वो इतने ज्यादा
हेलमेट थे और इतना उन्होंने दिल पे रख ले रखा था कि इसको खत्म करके छोड़ेंगे, तो वहां ये सिस्टम जल्दी खत्म हुआ किसी कारण से। लेकिन बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं था, इसीलिए जमींदारी सिस्टम इतनी आसानी से वहां खत्म नहीं हुआ। खैर, लेकिन ये पहला स्टेप रिफॉर्म में उठाया गया, और जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो ही तो वो चीज खत्म होने पर आएगी ना, तो इसी तरीके से जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ। ठीक है, सेकेंड देखो इन्होंने क्या करा, रेंट रेगुलेट कर दिया। देखो अब सारे लोगों को तो लैंड नहीं दी जा सकती थी ना, सारे लैंडलेस लेबरर्स को, कुछ लोग तो रेंट पे भी काम करने वाले थे, कुछ लेबरर, कुछ वर्कर्स। तो सरकार ने कह दिया ठीक है रेंट तो तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन रेंट जो ऐसे लेबरर से लिया जाएगा दैट कैनॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, यानी जितना प्रोड्यूस करके फार्मर मार्केट में बेच रहा है उसके 1/3 हिस्से से ज्यादा रेंट नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, अगर तुम फार्मर हो और मार्केट में जाके तुम जो बेचते हो तुम्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, तो तुम्हारा रेंट तकरीबन 3,300 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा तुमसे कोई नहीं ले सकता। तो रेंट की लिमिट फिक्स कर दी सरकार ने। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा काम। पहला प्रॉब्लम क्या टैकल किया, जमींदारी सिस्टम हटाया। दूसरा था भाई एक्सप्लॉइट करते थे लेबरर्स को, चलो उसको भी सेटल कर दिया, रेंट फिक्स कर दिया। तीसरा, उस टाइम में क्या होता था, जमींदार या ऐसे कई लोग अपना पावर चलाकर लोगों से अंगूठे लगवाकर जबरदस्ती उनकी जमीनें हड़प कर लेते थे, या जैसे हम बोलते मल लेते थे। और ऐसे करते करते उन्होंने कई सारी जमीनें इकट्ठे कर रखी थी, गांव के गांव किसी एक बंदे के नाम होते थे, ऐसा होता था। ऑब्वियसली इसके चलते कई लोगों की जमीनें जाती थी, उनकी ओनरशिप जाती थी। तो सरकार ने क्या किया, लैंड सीलिंग लगा दी। देखो सीलिंग शब्द का मतलब होता है अपर लिमिट लगा दी। तो अगर तुम लैंड सीलिंग की डेफिनेशन देखो वो क्या है, फिक्सिंग अ मैक्सिमम लिमिट टू द लैंड होल्डिंग अ फैमिली कुड हैव, मतलब एक फैमिली इतनी जमीन हो सकती है एक फैमिली के पास, इसकी एक लिमिट सेट करती। सरकार ने बोला अगर आप कि आपके पास लैंड है, पेपर दिखाओ। चलो जी, सबने पेपर दिखाए, उस पेपरों में पता चलता था कि कुछ तो वाकई अपनी है और कुछ हड़पी हुई है। एक लिमिट सेट कर दी कि इतनी लिमिट तक तुम्हारी फैमिली के लायक बहुत है, इतनी तुम्हारी, बाकी सरकार की। तो सरकार उनसे वो जो एक्स्ट्रा लैंड था ना वो ले जाती थी। अब तुम कहोगे मैम ये कोई बात नहीं, किसी के इतने एकड़ जमीन है। मैंने फिर कहा पेपर है, अगर तुम्हारे पास पेपर है लैंड के, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो टेंशन क्या है, दिखाओ भी पेपर और रख लो अपनी लैंड। और सीलिंग थी कि भाई इतनी लैंड, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग इतनी हो सकती है तुम्हारे फैमिली के पास, उससे ज्यादा अगर है तो वो सरकार की है। देखो लॉ तो लॉ होता है, रूल तो रूल होता है, जब लॉ बनते हैं रूल बनते हैं तो कईयों को जमते हैं कईयों को नहीं जमते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कई बार देश की भलाई के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड, हमें लॉज को फॉलो करना पड़ता है, चाहे उनमें इंडिविजुअल फायदा ना हो। समझ रहे हो ना, तो बस वही वाली बात थी। तो लैंड सीलिंग सेट कर दी, एक्स्ट्रा लैंड सरकार ले जाती थी। फिर सरकार से एक्स्ट्रा लैंड का क्या करती थी, लैंडलेस लेबरर्स में बांट देती थी। कई तो लैंडलेस लेबरर्स में बांटी और कई जगहों पे स्कूल कॉलेज ऐसी चीजों में लैंड को लगाया गया। ऑलराइट, तो जमींदार हटाए, रेंट रेगुलेट किया, लैंड सीलिंग फिक्स कर दी, जो नाजायज इलीगल तरीके से लैंड लिया हुआ था उसे वापस खींच लिया और स्कूल कॉलेज और ऐसे कामों में लगाया गया। देखो सरकार को भी तो लैंड चाहिए ना, वो कहां से लेकर आएंगे। अगला, तुम्हें याद होगा मैंने कहा एग्रीकल्चर का एक प्रॉब्लम था स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स, एक टुकड़ा यहां है लैंड का, एक टुकड़ा वहां है, ना मशीनें चलती, ना कोई सीड लग पाते, कुछ ढंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं पाती थी। तो सरकार ने क्या किया, कंसोलिडेशन शुरू की। कंसोलिडेशन शब्द का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा लेकर आना। तो क्या किया, मानो मैं एक फार्मर, मेरे एक लैंड पीस यहां है, एक लैंड पीस यहां से 30 किलोमीटर आगे है, एक लैंड पीस थोड़ा बगल में है। तो सरकार मेरे पास आई और कहा हम तुमको ना, तुम्हारा टोटल लैंड पीस कितना है, जितना टोटल लैंड पीस है, मानो तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर का लैंड है, तो ये सारा ना हम तुमको यहां पे दे देते हैं, जो तुम्हारा वो 30 किलोमीटर आगे वाला लैंड पीस है और ये जो यहां वाला लैंड पीस है ये तुम हमको दे दो। समझ में आ गई, हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कैसे हुआ, जितना लैंड है मेरा टोटल एरिया वाइज वो मुझको यही मिल गया। ठीक है, और जो मेरा लैंड 30 किलोमीटर दूर था और जो यहां वाला था वो सरकार ने ले लिया। ऐसे ही किसी उधर वाले बंदे, जो 30 किलोमीटर आगे बंदा रहता था, उसके पास भी एक लैंड पीस वहां है, एक लैंड पीस मेरे यहां है, तो उसको वहां लैंड दे दी, मुझे यहां लैंड दे दी। फायदा क्या हुआ, दो फायदे, एक तो ये कि मेरी सारी जमीन यहां है मेरे पास। ये किस जमाने की बात है गाइस, 1950।
आज भी अगर यहाँ से 30 किलोमीटर आपकी जमीन हो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो 1950 की सोचो, जब सड़कों पर कुछ चलता ही नहीं था, टांगे चलते होंगे और गुलाब कार्ड चलते होंगे, तो क्या किया, तुम्हारी सारी जमीन यहाँ पर है तो तुम उस पर खेती करो, मशीनें लगाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, तुम्हारा काम खूब फलेगा बढ़ेगा, है ना। उधर वाले फार्मर को उधर दे दी तो उसका भी काम ऐसे चलेगा। पहला तो फायदा ये, दूसरा फायदा ये हो गया कि ओवरऑल देश भर के लिए प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ जाएगी, जो कि बढ़नी अब बहुत जरूरी थी क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हमें अपना खाना चाहिए था, हमें अपने फार्मर्स की डेवलपमेंट चाहिए थी। तो इसीलिए जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, इसकी वजह से हमें दो फायदे हो गए। अभी क्लियर। इसके चलते अराउंड 1633 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये 2004 का डेटा है जो मेरे पास लेटेस्ट है, 1633 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कंसोलिडेट किया गया, एक जगह इकट्ठे किया गया। एक जगह से मेरा मतलब है जहां जहां पे वो फार्मर्स थे वहां वहां पे टोटल कितना लैंड कंसोलिडेट किया गया। ओके, यहां तक भी क्लियर है। एक पांचवा रिफॉर्म जो ये लेकर आए, इन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग को बड़ा बढ़ावा दिया। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव का क्या मतलब है, कोऑपरेशन, आपस में तालमेल बिठाना, मिल बांट के काम करना। See, the biggest problem of Indian agriculture was पैसा, पैसा नहीं था, फाइनेंस नहीं था, तो फाइनेंस रातों रातों आने से रहा, लेकिन ये जरूर था। देखो, किसी एक इंडिविजुअल फार्मर के पास उस जमाने में 1000-2000 रुपए नहीं थे, लेकिन 100-100 रुपए तो सबके पास थे। तो चलो भाई इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके पैसा इकट्ठे करो, इकट्ठे होके सीड्स खरीदो, इकट्ठे होके फर्टिलाइजर्स खरीदो, इकट्ठे होके रिसोर्सेस खरीदो, फिर फार्मिंग भी इकट्ठे करो, और जब तुम मार्केट में जाओगे तो इकट्ठे होके उसको बेचने की भी कोशिश करो। इस वजह से दो फायदे होते थे, एक तो पैसा इकट्ठे होने की वजह से हर कोई फार्मिंग कर पाता था, हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता था, और इकट्ठे होके जब मार्केट जाते थे तो बार्गेनिंग पावर मिलती थी। बार्गेनिंग पावर क्या होता है, देखो एक बंदा लड़ने जाए मार्केट में, एक बंदा, मान लो एक बंदा मैं कह रही हूँ भाई मैं सब्जी तरकारी बेच रही हूँ, मुझे ये रेट चाहिए, और मैं जो रेट बोल रही हूँ भाई कस्टमर मेरी क्यों सुनेगा, वो अपनी भी चलाएगा। लेकिन अगर मेरे जैसे 10 लोग वही आलू बेच रहे हैं मान लो, और हम सारे अटके हुए हैं कि नहीं इसी रेट में बेचेंगे और किसी रेट में हम बेचेंगे ही नहीं, तुम्हारी मर्जी, ले रहे लो नहीं लेना ले, तो कस्टमर क्या करेगा, थक हार के उन 10 में से किसी ना किसी से तो ले ही लेगा। तो यही फंडा था, जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है आप इकट्ठे, तो आप रिसोर्सेज पूल इन कर रहे हैं, तो जो पैसे की दिक्कत है उसकी परेशानी थोड़ी हद तक खत्म हो जाती है। दूसरा, आप इकट्ठे मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका जो बार्गेनिंग पावर है, आपकी जो कस्टमर से अपना रेट फिक्स करने की जो शक्ति है वो बेटर हो जाती है, तो इसको प्रमोट किया गया। अब मुझसे कई बच्चे सवाल पूछेंगे, मैम कस्टमर के लिए तो दिक्कत है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी, हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में, और अगर तुम मैक्रो ध्यान दो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इकोनॉमी में जितना कंज्यूमर का फायदा जरूरी है उतना ही प्रोड्यूसर का फायदा भी जरूरी है। अगर तुम ऐसी पॉलिसीज लेकर आओ जो कस्टमर को ही फायदा दे रही है, सस्ता सस्ता सस्ता, और प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं दे रही, तो इनमें लॉन्ग रन कस्टमर भी मारा जाएगा, क्योंकि कस्टमर को नौकरी देने वाला प्रोड्यूसर है। अगर प्रोड्यूसर का बिजनेस ठप तो कस्टमर की नौकरी गई ना, पे जेब में पैसे ना कुछ, क्या खरीदेगा और क्या खाएगा। इसीलिए बात याद रखना, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, थोड़ा सा इसमें बैलेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। और इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ऐसे बनाई जाती हैं कि हर सेक्शन, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर किसी का फायदा दिमाग में रख के रखी जाती है ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे। ओके, ऑल गुड। तो हम एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं, मैंने कहा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, वो तोड़ जवाब दिया गया एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को, तीन लेवल्स पे किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, टेक्निकल रिफॉर्म्स किए और जनरल रिफॉर्म्स किए, और ये वाली वीडियो में हमने लैंड रिफॉर्म्स डिटेल में डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन हिट करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।